इसका हमें बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ता है। स्मृति किसकी, स्मृति किस बात की, वो हमारे अकुशल विचारों की, हमारे कुशल विचारों के प्रति, हम जो कर रहे हैं उसके प्रति बहुत सारी बातें होती हैं। और इस स्मृति को हम अगर देखा जाए तो हमने बताया था कि बौद्ध धर्म के अनुसार भी कई उसमें हम देखते हैं। स्मृति का मतलब पहले भी बताया था, जागृति होता है, स्मरण करना होता है, अवेयरनेस भी कह सकते हैं, तो इस प्रकार से कह सकते हैं। किसके प्रति? हमारी इंद्रियों के प्रति, अपनी इंद्रियों के प्रति, क्योंकि हमारी ये इंद्रियां हैं जो हमारे कुशल अकुशल जो कुछ कार्य होते हैं वो सारे इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। और जो इंद्रियां हैं वो उनके माध्यम से होते हैं और उसका संचालन जो है मन से होता है। और वास्तव में मन जो है, जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियों को तो हम जानते हैं कि हमारा जीवा है, हमारा नाक है, आंख है, कान है, सबके, लेकिन मन को हम केवल आकलन करते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ये मन है, लेकिन किसी अंग के रूप में क्या हमारा हृदय है, क्या है, इस प्रकार हम नहीं बता सकते। तो इस प्रकार से हमें जो है, अगर मैत्रीवान रहना है, कुछ भी सीलवान रहना है, कुछ भी करना है, तो हमें अपने स्मृतियों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। और इसमें स्मृतियों के बारे में भंते देव ने भी बहुत कुछ कहा है ना, और अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने बताया है, जैसे स्वयं के प्रति स्मृति, अपने शरीर और वाणी के प्रति, है ना। और इस प्रकार से उन्होंने भावनाओं के प्रति स्मृति, अपने विचारों के प्रति स्मृति, सत्य के प्रति, है ना। तो इस प्रकार से ये सब बहुत सारी बातें बताई हैं। और वास्तव में जब हम स्वयं को जागृत करते हैं, स्वयं स्मृतिवान बनते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। और स्मृतियां जैसे हमने बताया अपने विचारों के प्रति होती है, और विचार ही हमारे मन में जो है, या ऐसा प्रवाह जो हमेशा चलता रहता है, हमें पता नहीं चलता, कभी यहाँ होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी। और सबसे मजे की बात है कि अगर हमारे मन में अकुशल विचार जब आते हैं तो हमें समझ में भी आता है, लेकिन जैसे कहते हैं समझ समझ कर ना समझ बनना, वही बात होती है कि हम समझते हुए भी वो अच्छा लगता है, उसी अनुसार हम चलते रहते, और वो जाके भयंकर रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से स्मृतियां हैं, इसीलिए उसके प्रति हमें जागृत रहना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है औरों के प्रति या दूसरों के प्रति भी स्मृतिवान, है ना। और क्या है कि बहुत सारी बातें होती है कि हम लोग या हमारा मन जो है स्मृति की बात करते हैं, स्मृतिवान तो रहते हैं, स्वयं के प्रति नहीं देख पाते हैं। हम दूसरों के प्रति ज्यादा देखते हैं, प्रतिक्रिया ज्यादा करते हैं, है ना, दूसरों के प्रति ये कैसा है। वास्तव में अगर हम स्वयं के प्रति देखें तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम सत्यता की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। ये बुद्ध के प्रति ही जो जागृति है वो सत्य के प्रति जागृति है। दूसरों के बारे में जैसे कहा जाता है कि ये कम होती है, और जब ये जागृति दूसरों के प्रति कम होती है तो हम शांत होते हैं, है ना। हमें पता चलता है हमारे रहने चलने खाने पीने हर एक चीज के बारे में मालूम देता है, एक ठहराव सा महसूस होता है, और हमें स्वयं को क्या दूसरा देखने वाला भी उस पर जांच कर सकता है या बोल देता है क्या बात भाई, आप तो
पहले से चेंज हो गए या बड़े शांत रहते हो, बहुत सारी बातें हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हैं। और जब हम स्मृतिवान होते हैं अपने अकुशल भावनाओं के परत, जैसे कहते हैं कि बैर से बैर शांत नहीं होता है, अबैर से शांत होता है। और वास्तव में इन सब के लिए, शांत होने के लिए मैत्री करुणा मुद्दा से ही शांत ये सब होता है। यही सत्यता है, यही बुद्धत्व है, और इसी को हमें समझना है। और जब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, जब स्मृतिवान होते हैं इन सब चीजों की तरह अपने शीलों के प्रति, अपने अकुशल विचारों के प्रति, तभी हम और आगे बढ़ के धम वित्त कर सकते हैं, है ना। तो स्मृति के बारे में मैंने पिछली बार काफी कुछ बताया है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने बातें रखी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जब स्मृतिवान होते हैं तो हम तभी धम वित्त कर सकते हैं, है ना, धम्म को देख सकते हैं, है ना, क्या बुरा है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, है ना। तो ये हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इसलिए हम जो हैं यहाँ पर धम्म विच का मतलब मानसिक अवस्था, हमारी अलग अलग प्रकार की मानसिक अवस्था होती है। जैसे मानसिक अवस्थाएं कैसे होती है, दुखद होती है, हम बहुत दुखी होते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से उसको मतलब हम व्यक्त नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। इसी प्रकार दुखद भी होती है, सुखद भी होती है, सुख में होते हैं और द्वेष में होते हैं, कभी करुणावान होते हैं, बहुत सारी बातें इसमें मतलब होती हैं, है ना, जिसके बारे में हमें देखना होता है, है? और ये सब जो है बौद्ध धर्म में बड़े विस्तार से बताया गया है। अनेक दार्शनिक जो होते हैं, अनेक बौद्ध विद्वानों ने बहुत विस्तार से, और हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें भी हम देख सकते हैं। मतलब कहते हैं कि हमारे मन में असंख्य असीमित विचार आते हैं, है ना, या अनगिनत विचार आते हैं, और ये निरंतर आते हैं और जाते भी रहते हैं। और उन्हीं विचारों की अवस्थाएं अपनी अपनी होती है। कोई कोई किसी विचार को लेके बैठ जाता है, कोई अलग विचार को लेके बैठ जाता है। तो ये जब हम स्मृतिवान होते हैं तो हम उन चीजों को देख पाते हैं, है ना, कि ये मन की जो अवस्थाएं हैं उसको कैसे हम देख सकते हैं, इन अनगिनत विचारों को कैसे देख सकते हैं। तो ये सारी बातें धम्म विच में आती है, है? और उसको कैसे देखते हैं, मन से देखते हैं, है ना। और ये मन से कैसे देखते हैं, जैसे कहते हैं पारदर्शिता, एक जैसे ग्लास होता है, आर पार हम देखते हैं ना, एकदम साफ दिखता है। जैसे हम चश्मा लगाए हैं लेकिन बीच में एक दीवार है, फिर भी हम उस पार देख रहे हैं। उसी प्रकार से हम जो है इन अपने अकुशल बातों को, जो हमारे अंदर सुख है, दुख है, जितने भी विचार आते हैं, उसको पारदर्शी रूप से हम देखते हैं अपने अनुभव से, है ना, और उन मन की आंखों से देखते हैं, है ना। हमारी आंखें जो इंद्री है इससे तो देखते हैं, इससे हम विजुअली हर एक चीज देखते हैं, क्या रूप है, क्या रंग है, क्या वातावरण है, है ना, सब चीजों को देखते हैं। लेकिन जो मन की आंखें हैं, है ना, मन की आंखों से जो अनुभव करते हैं, जो देखते हैं, वास्तव में हमें सुख है तो सुख किस लिए है, इससे ज्यादा खुशी नहीं होना है, दुख क्यों है, बहुत सारी बातें, तो उस पर हम
इस पर पारदर्शी रूप से ये देखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो ये सब बातें कि हमारे मन में क्या चल रहा है, उसमें किस प्रकार की बनावट या मिलावट, मतलब किसी प्रकार की बनावट या मिलावट नहीं होती है, जो सही है वही देखते हैं, है ना। हम उसमें नहीं भी देख सकते हैं, है? मतलब देखते तो हैं लेकिन नहीं भी, लेकिन क्या होता है, महसूस कर सकते हैं उसको, है ना। जैसे हमने बताया, आंखों से देख रहे हैं दिख रहा है, लेकिन मन से देखते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं ना। लेकिन जब हम उस पे गहन चिंतन करते हैं या ध्यान के माध्यम से या स्थितियों के माध्यम से, तब हम उसे देख सकते हैं, दर परत क्या लाया हमारे मन में वो देख सकते हैं। और बड़े आराम से कहते हैं कि ये मन जो है बड़ा लचीला होता है ना, ये दोनों तरफ झुकता है, कुशलता की तरफ भी बड़े प्यार से आगे बढ़ता जाता है, हमें पता नहीं चलता है, अकुशलता की तरफ भी ऐसे लचीलेपन से जाता है कि पता नहीं चलता है। जैसे कहते हैं ना आम भाषा में कि किसी को जहर का क्या देना, गुड़ खिला के भाई उसे मारना है तो मारो, वही बात है, मन की वही बात होती है। भाई प्यार से हमें अकुशलता की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो उसमें कुछ नहीं करता, बढ़ता चला जाता, क्योंकि जब हम जागरूक नहीं होते, स्मृतिवान नहीं होते हैं, हम अपने मन की आंखों से उसको सच्चाई से देखते या महसूस नहीं करते हैं, है ना। जैसे ध्यान करते समय हमारे अंदर बहुत से विचार आते हैं, और फिर चले भी जाते हैं, हम उसे पकड़ कर नहीं बैठते हैं। ये विचार जो है पारदर्शी होता है, वास्तव में जब ध्यान कराया जाता है या जिस ध्यान में बैठते हैं कि यही होता है कि विचारों को पकड़ कर मत बैठिए, आगे बढ़ो, बात होती है ना। उसी प्रकार से विचार जो है पारदर्शी होता है, वास्तव में ध्यान में भी जो विचारों को पकड़ कर बैठ जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता है, हम उसी विचारों में खो जाते हैं और महसूस होता है कि हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का समय भी बीत जाता है, हमें टाइम का भी नहीं पता चलता, कोई वो भी नहीं होता है, लेकिन वास्तव में हम ध्यान नहीं करते होते हैं, विचारों में ही खोए रहते हैं, ये अक्सर होता है। और आगे क्या होता है मन का, क्या कि जैसे हमने बताया कि ये सैकड़ों मानसिक अवस्थाएं हैं मन की, लेकिन क्या है इसमें, ये क्षणिक होती हैं, आती हैं जाती हैं, मन हर क्षण बदलता रहता है, क्षण प्रति क्षण भगत बदलता रहता है, वो भागता रहता है। और इसको मन की अवस्थाओं को अगर देखें तो बौद्ध धर्म में इसके बंदर से तुलना की गई है। बंदर को हम देख सकते हैं, बंदर कभी भी एक स्थान पर बैठता नहीं है, स्थित नहीं रह सकता है, बड़ी अच्छी तरह हम समझ सकते हैं या देखे होंगे तो आप अनुभव कर सकते हैं। अगर पेड़ पर भी बैठा है तो एक डाली से दूसरी डाली, तीसरी डाली, और नहीं तो उस डाली को ही हिलाते रहेगा। या जमीन पर बैठा है तो कहीं हाथ इधर हिलाएगा, कहीं उधर हिलाएगा, कहीं कुछ कुछ करता रहेगा, इसीलिए इसको बंदर के उसमें रूपक में इसका वर्णन किया गया है, भंते जी ने अपने उसमें बताया है बड़े उससे, और उछलता कूदता रहता है। इसी प्रकार हमारा मन है, वो स्थिर नहीं रहता है, कभी यहां है तो कभी वहां है, कभी अच्छाई की तरफ सोच रहा है तो कभी बुराई की तरफ सोच रहा है, तो उसी की तरफ बढ़ता चला जाता है। और ये जैसे कहते हैं, हमने बताया क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है, तो आगे ही बढ़ता रहता है, स्टेप बाय स्टेप हमें नहीं पता चलता है। तो अगर हम स्मृतिवान रहते हैं तो इन्हीं सबको तो देखना है। और हम मन के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, ये विचार भावना के साथ जुड़ा है, और जैसा हमने बताया क्षण प्रतिक्षण चलता है,
तो धम्म बीच क्या है, है ना, क्षणिक होता है ये मन, लेकिन आगे क्या करना है हमें उसका आकलन करना है, है ना, उसको देखना है। यह जो है आकलन करना, क्या हमारे मन में चल रहा है उसको देखना है, और हमारा मन सभी चीजों का निरीक्षण करता है, है ना, तो उसी को समझना है। अगर जागरूक रहेंगे तभी हम समझ पाएंगे, है ना। और यह मतलब वो कैसा है, कुशल है अकुशल है, क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातें सोचता रहता है, है ना। मतलब भूत में भी जाता है, वर्तमान में भी रहता है, भविष्य की तरफ भी भागता है, है ना। इस प्रकार से चलता रहता है, ये मन में होता है, जिसे हम हमने कहे सोचता है, क्या मन से ही तो सोचते हैं हमें ये करना है, इस पे क्या करें, है ना। जैसे किसी काम के लिए हम वो प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें ये करना है, या कोई प्रोग्राम करना तो हम कितने लोगों को बुलाएं, क्या व्यवस्था करें, क्या कैसे करें, ये सब मन से ही चलता है। इसी प्रकार जब हम ध्यान में बैठते या वैसे होते तो हमारे मन में चलता रहता, बहुत सारी बातें होती हैं, तो इसी को हमें देखना है, उसको आकलन करना है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे किसी को कोई बीमारी आती है, कोई बीमार होता है, तो क्या होता है इसमें, बीमार वो व्यक्ति है और उसी बीमारी को सोचता रहेगा तो और ज्यादा बीमार होगा, और अगर डॉक्टर के बारे में उसका मन काम कर रहा है, कौन से डॉक्टर को दिखाएं, और जो डॉक्टर उसके मन में अच्छा लगा कि नहीं इस डॉक्टर को दिखाएंगे तो हम सही होंगे, तो वास्तव में कि मन में, क्योंकि हमने मन से अपने अंतर मन से पारदर्शी रूप से, है ना, उसको सोचा है उस डॉक्टर के पास, तो जब तक आप उस डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तब तक नहीं ठीक होगा, क्योंकि आप मन में सोचे हैं, है ना। तो ये मन ऐसा काम करता है, है ना, कि कुशल है या कुशल है, या डॉक्टर को कौन से दिखाएं। फिर एक बात और होती है, बीमारी से जब ज्यादा तकलीफ होती है तो एक बात मन में आती है, हमने ये चीज खा लिया था इसलिए हमें तकलीफ हो गई, अब आगे इसको हम नहीं खाएंगे, है ना, ये सब मन से होता है। और वास्तव में जो जागरूक नहीं होते हैं, है ना, जैसे आजकल अक्सर शुगर के पेशेंट ज्यादा होते हैं, है ना, मीठा सबको पसंद होता है, है ना, तो और शुगर के पेशेंट को या वैसे मीठा इतना अच्छा होता है कि आदमी अपने को रोक नहीं पाता है, लेकिन जब ज्यादा बीमार हो जाता है तो क्या करता है, नहीं हमें परहेज करना ही करना है, हमें उस पर रुकना ही रुकना है, ये दोनों बातें सोचता है, ये मन से होता है। तो इसी प्रकार ये मन जो है सारी बातें, क्या हानि है अगर इसको खाएंगे तो, नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है खाने से, सब चीज का निरीक्षण करता है, अपने विचारों पर, अपने आहार पर। किसी को द्वेष आता है, क्यों द्वेष आ रहा है, क्योंकि उसके बारे में हम अकुशल सोचते हैं, हमारे विचार जो है उसके हम किसी के लिए द्वेषपूर्ण होते हैं, ये कहां से आता है, मन से आता है ना। और जब हम स्मृतिवान रहेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसका ही आकलन करेंगे, नहीं नहीं ये गलत है, हमें तो अपने जैसा दूसरों को भी सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, इस सब अपने आहार व्यवहार विचार अपनी आदतें सब चीज में परिवर्तन करना है, है ना, सबका निरीक्षण करना है। वस्तु मात्र, इस प्रकार मन जो है अपनी वस्तु मात्र बातों को देखता है, चिंतन करता है, हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है,
और ये कहाँ से आता, अंदर की आवाज जिसे हम मन कहते हैं, अंदर की आवाज होती है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, मैंने पहले बताया है, है ना। तो ये होता है। और दूसरा क्या होता है, मन जो है इसको हम छठी इंद्रियों के रूप में, पांच इंद्रियों तो हम सभी जानते हैं, है ना, अच्छी तरह से देख रहे हैं, कहाँ ये नाक है, मुंह है, ये कान है, ये त्वचा है, है ना। लेकिन छठी इंद्रिय मन है, है ना। और ये छठी इंद्रिय जो है जो काम करती है इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से करती है, है ना। ये पांचों इंद्रियां सहयोगी होती हैं। अगर आंख किसी चीज को देखता है तो उसमें मन ही होता है कि सुंदर है, फिर आगे बढ़ता है इसे हमें मिलना चाहिए। अगर वो सुंदर नहीं है तो उसे मन ही दूर भगाता है, है ना। कोई चीज जीवा क्या करती है, अगर कोई स्वादिष्ट है तो हमें और मिलना चाहिए, है ना। तो ये विचार कहां से आते हैं, जीवा तो अपना काम कर दिया, आगे भेज दिया मन की तरफ, है ना। तो मन, हमने कहा कि ये छठी इंद्री जो है ये मन है, ये दिखाई नहीं देती है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, ये कोई अवयव नहीं है आंख नाक की तरह, कोई अलग से हमारे अंदर इसकी संरचना नहीं की गई है मन की, कि हाँ ये चीज है, जैसे हमारे और अंगों में, शरीर के अंगों में कोई कमी होती है, कुछ होती है, डॉक्टर भी ठीक कर सकता है। मन को कैसे, वो आपके मन को कैसे देखेगा। इसीलिए जब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं क्या करता है, वो सारी बातें हमसे पूछता है, आप ऐसा करते हो, क्या करते हो, और जहां रहते हो उसके बारे में पूछता है, अपने परिवार के बारे में आपके पूछता है, आपके आदतों के बारे में पूछता है, फिर उससे वो आकलन करता है। लेकिन यही काम अगर हम जागृत रहते हैं, स्मृतिवान रहते हैं और धम्मविच के पर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम स्वयं भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। मन को यह नहीं पता कि वो सभी अंगों की तरह कहाँ स्थित है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, ये पांच इंद्रियों की तरह इसे भी हम महसूस कर सकते हैं, है ना। ये पांच इंद्रियों के द्वारा ही कार्यरत है, या पांच इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। मन कितना शक्तिशाली होता है, जैसे कहते मन ही तो होता है, कहते हैं मन है बैरी अपना की मन है अपना मित्र, है ना। मन अपना बैरी भी है, मन अपना मित्र भी है। इसलिए हमें ही देखना है क्या है, किसको क्या बनाना है, मित्र बनाना है या उससे दूर रहना है, ये सारा मन काम करता है। और इसका आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें हमारे मन के ऊपर जो हावी होता है या हम धम्मविच नहीं कर पाते हैं, तो उसमें एक चीज हमारी और आड़े आती है, वो हमारी आदतें होती हैं, है ना। शायद टाइम ज्यादा हो रहा है तो इसके आगे हम, आगे भी मौका मिलेगा, हम इस बात को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं वास्तव में देखो मन ही होता है कि मैं बोलते बोलते आगे बढ़ता ही चला गया, टाइम की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मन ही तो है।